जहां कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की भरमार है। अब ब्लैक फंगस की भी दादरी जिले में एंट्री हो गई है। जिले में 5 लोगों में इसकी पुष्टि हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने 2 दिन के दौरान आए 5 मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक PGI रेफर कर दिया। वहीं 5 मरीज आने के बाद DC राजेश जोगपाल ने सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। DC ने कहा कि ब्लैक फंगस को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। जिले में कोरोना वायरस पहले ही कहर बरपा चुका है, अब ब्लैक फंगस ने भी लोगों को चपेट में लेना शुरू कर दिया है। जिले के अलग अलग गांव और शहर के 5 लोगों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो गई है। इन 5 लोगों की सूची और मोबाइल नंबर स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित किए हैं। ब्लैक फंगस के मरीज मिलने से प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। दादरी में हमने करीबन 4-5 दिन पहले जितने भी कोविड पेशेंट्स थे जो डिस्चार्ज किए गए थे, उनको स्टीरॉयड दिया गया था, उन सब का हमने एक सर्वे कराया और सर्वे में हमारे 2 पेशेंट्स आए और 1 पेशेंट हमारा जो है प्राइवेट यहाँ पर नर्सिंग होम है वहाँ से आया, और टोटल हमारे पास जो 5 पेशेंट्स ब्लैक फंगस के आए हैं और 5 के 5 हमने जो हमारा रेफरल इंस्टीट्यूट है PGI रोहतक वहाँ हमने भेज दिए। ब्लैक फंगस का जो पूरा ट्रीटमेंट है उसके लिए गवर्नमेंट ने PGIMS रोहतक को ही ऑथराइज़ किया है और हम फर्स्ट एड दे के उनको वहाँ पे रेफर कर देते हैं। सिम्टोमेटिक जो भी चीज़ है वो हम करते हैं, उसके बाद उनको वहीं पर रेफर कर देते हैं। क्या सर, ये प्रशासन का अपना जो सर्वे का अभियान है जारी रहेगा जिसमें कि इस तरह के? हाँ, सर्वे का अभियान ये कंटिन्यूस जारी रहेगा, जो भी पेशेंट डिस्चार्ज होते रहेंगे। और अब तो हमने सर्वे में जिसने स्टीरॉयड लिया चाहे ना लिया उनको भी इंक्लूड कर लिया है। जो भी पेशेंट कोविड से एडमिट अगर हमारे पास हुए थे और डिस्चार्ज होंगे, सभी से हम लोग सर्वे में उनको शामिल कर रहे हैं और सभी से हमारी टीम्स फ़ोन करके पूछती हैं। और कोई भी अगर केस ऐसा पाया जाता है, किसी तरह का लक्षण है, तो हमारी जो मेडिकल टीम है वो जाकर उनको स्क्रीन करती है और उसके बाद फर्दर स्क्रीनिंग में जो भी रिजल्ट मिलता है उसके हिसाब से अपने जो मेडिकल प्रोटोकॉल्स है उसके हिसाब से कार्रवाई करती है। चरखी दादरी से प्रदीप शाहू की रिपोर्ट।